वो कब किससे डर सकते हैं, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सेवक वो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करहि लड़ाई। सुनहु राम जो शिव धनु तोड़ा, शस्त्र बाहु समसोरि पमोड़ा। जो बिलगाउ बिहाई समाजा, नित मारे जे ये सब राजा। हे राम, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे, वो इस परसे का भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखे तो कोलू में बेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये विष घोला है। जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। बचपन में जब धनवी तोड़ी तो कभी ना इतना रिसिया है। इस धनवी में क्या लाल लगे, जो स्वामी इतना गरमाए। ओ राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनुष समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। ओ बालक, तुझे हुआ है क्या, जो बात काटता जाता है। क्या नवतारी ब्राह्मण समझा, जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहू परसे ने शूणित की नदी बहाई है। इस आर्य भूमि को कई बार अन्याय रहित बनाई है। विख्यात सहस्त्र बाहु के हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तबर के वार देखे हैं। बड़े वीर बड़े योद्धा बड़े बलवान देखे हैं। जो मरने से नहीं डरते वही सरदार देखे हैं। भला आप धमकियों का आपकी हम पर असर होगा। डरेगा वो इस परसे से जिसे मरने का डर होगा। बस बस इसी एक परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है। परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। बूढ़ा परसा दिखलाकर क्यों मुझे डराने आए हैं। बलिहारी आप तो फूको से विन्ध्यांचल पर्वत हिला रहे। हम उस्माई के लाल नहीं जो हवे से भय खा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दान तभी वो स्वाद चखाएगा परसा। तू लड़का है लड़का ही रहे, क्यों मुझसे लड़कर मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। भगवान, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुरशी से तुरशा जाए। डर है परसे की लपटों से कहीं और उबाल ना आ जाए। ओ बाला! भगवान भगवान भगवान, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा ना मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की भांति यदि तुम आते तो मुनिवर सहलेता ये लाते। पर वीरों का सा वेश देख इसने भी की इतनी बातें। कर्ता कारण कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ। सचमुच यह निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी
अपराधी तो है महाराज जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला, ये घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला, तो कहिए कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ झाला। क्या मरे हुए इस धनुआ पर जी भर कर रोने आए हैं, या देख क्षत्रियो का समाज यूं ही सिर होने आए हैं। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अब इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों पर जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, उसको भी मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का करके दंड खंड करता घमंड अपने बल का, अरे रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का हम जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे के छोटे हैं। रणिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। ओ बालक! शांत ऋषिराज, शांत। बालक के दोष गिनों को ऋषिजन नहीं गिना करते। ठीक है मुनिवर, तुम्हारी आग्रह से मैं इसे छोड़े देता हूं। अब तक जितना क्रोध किया सब लौटाए लेता हूं, पर देखो उसकी ये मुस्कुराहट करती विदीन ये छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी तो शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी इन आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही भाती हो कोई और व्याख्यान सुना डालो। बस बस बहुत कर चुआ काट, अब यह परसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। है धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुलाड़ा ये अब जो तेरा नहीं संगार किया। है नहीं सवाल बालवत का, है नहीं सवाल बालवत का, बालक जब स्वयं उलझता है। अरे मत देना कोई दोष मुझे, ये परसा इस पर चलता है। मुनिवर अपने दासों का लहू पिए, ये ताओ भला का परसे की, हे नाथ हमारी ये गर्दन अब छाया में है परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, ये अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिनाथ ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को गरमाई फिर छा जाती है। देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना बिजलियां मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ,
दुविधा में चित पड़ा है, अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। ये क्या हुआ मुझे, क्यों पांव ना आगे बढ़ता है, पर सब पहाड़ हो रहा मुझ पे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूरत होकर ना रह जाना। फिर ऐसा ना हो मंदिर ही पड़ जाए आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ में नहीं रखते हैं। हाँ, यदि भगवान स्वीकार करे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। अब मैं समझा हूं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो है गर्म, नर्म है तुम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं पशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन आदा मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा अन्यथा जगत को मत बहका, दे राम नाम का त्याग अभी। मुनिवर, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, बतलाइए किसका नाम बड़ा। बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिनाथ मुनिनाथ, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं प्रभु इतना चढ़ते आते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, उस समय काल भी हो सम्मुख उससे कुश्ती लड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाए, इसलिए ना परसा दिखलाए, इस परसे से हम ना डरते हैं। हाँ हाँ, एक शस्त्र है महाशस्त्र, जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का ही है, फिर ना ही हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से पृथक नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कहिए, बतलाएं वो क्या है जिसका हमको ज्यादा डर है। हे नाथ, हे नाथ, देखिए नीचे की ओर, ये उन चरणों की ठोकर है। बस बस यही है वो महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सिर है। यदि आप करें इसका प्रयोग तो ये वक्ष स्थल हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस ओर प्रभु। इसकी भी छाप वहां पर हो, जिस जगह निशान कुछ और प्रभु है। ये मेरे हृदय में प्रकाश पुंज सा कैसा उत्पन्न हुआ, लगता है भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया है। ठीक है, मैं अभी अपने संशय का समाधान करता हूं। राम रमापति कर धन ले हूं, खैचाऊ मिटे मोर संदेह। लाइए मुनिनाथ। बोलो बोलो विष्णु भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। और आज की लीला